कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि शक्करपारे उनके तेल में पूरे बिखर गए, बहुत ज़्यादा ऑयली बने, ना ही वो बढ़िया फूल पाए, काफ़ी कड़क से पड़े। हर कोई चाहता है कि जब भी वो शक्करपारा बनाए चार गुना फूले, इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाए, और जब इसे कोई खाए ये बिल्कुल आपको बिस्किट की तरह खस्ता भी लगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई हैं, जिससे अगर आपकी रेसिपी फेल हो भी रही हो तो भी आप उसे सुधार सकते हो, और अगर वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। चलिए बनाते हैं। शक्कर पारों के लिए ज़रूरी है उसका मेजरमेंट, और वो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। जो भी आपके घर में कटोरी, ग्लास, कप, जिस भी चीज़ से आप नापेंगे, सारी मेजरमेंट आपको उसी एक चीज़ से लेनी है, या अगर आपको ग्राम्स में चाहिए तो वो भी बता दूँ। एक परात के अंदर मैंने दो कटोरी जितना ये मैदा ले लिया है। मैदा आप छान कर भी ले सकते हो, बिना छाने भी ले सकते हो, अगर मैदा में कोई कचरा है तो छान लीजिएगा। ये है सूजी, रवा, बिल्कुल बारीक वाला है, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा मिक्सी में चला लिया था। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि शक्कर पारे जब हम बनाते हैं ना, अगर आप थोड़ी सूजी डालेंगे दाने दाने सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखते हैं, वैसे ना दिखे, और सूजी की वजह से शक्कर पारे ज़्यादा खस्ता होने में जो मदद मिलती है वो भी हमें मिल जाएगी। इसलिए बस थोड़ा सा इसको मिक्सी में चला लीजिए ताकि मैदा के अंदर ये बिल्कुल बढ़िया यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। और सूजी हमने 2 टेबलस्पून जितनी ली थी, 1 kg का मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगी। सेम कटोरी से नाप कर आधा कटोरी जितना देसी घी, घी को आपने मेल्ट करके ही मेज़र करना है। अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो फिर मेज़रमेंट पूरी गलत हो जाएगी, शक्कर पारों के अंदर घी यानी कि मोयन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और आपको रिजल्ट मिलेगा कि हर शक्कर पारा आपका तेल में घुलते जाएगा, एक पूरा सिंगल पीस आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। शक्कर पारे घुलने की और एक वजह है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये घी मैंने मैदा के अंदर मिलाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर जगह पे मैंने इसको बढ़िया रब कर लिया है। देखिए मोयन की मात्रा शक्कर पारों में सही है या नहीं ये पहचानने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको ऐसे वाले शक्कर पारे पसंद हैं, बिल्कुल खस्ता से बिस्किट की तरह, जिन्हें ज़्यादा चबाने की आपको ज़रूरत भी ना पड़े, मोयन मिलाने के बाद आप ये देखिए बिल्कुल ज़ोर से दबा के ये एक जगह आ पा रहा है ना, जिसका गोला बन पा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोयन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर शक्कर पारे गए काम से, लेकिन एकदम टाइटली आप इसको बाइंड कर पा रहे हो, मतलब अभी इसको मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। गलती से अगर आपसे मोयन ज्यादा हो जाए, आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ऑयली लग रहा है, डरना नहीं है, सिर्फ ऊपर से मैदा ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये मैं डाल रही हूँ पाउडर की हुई शुगर, चाहे तो आप मिश्री जो होती है ना उसका भी मिक्सी में पाउडर कर सकते हो अगर आप थोड़ा हेल्दी खाना पसंद करते हैं। शक्कर को बढ़िया मिलाना है, क्योंकि शक्कर के यहाँ पे गोले नहीं रहने चाहिए। चाहे तो आप शक्कर को थोड़ा छान के मिलाओ, मतलब वो एक जैसी पाउडर फॉर्म में सब तरफ फैल जाएगी, गोले ना रहे इस बात का ध्यान रखें। शक्कर अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी मुट्ठी बना के, तो देखिए इसमें घी, मैदा, शक्कर, इन चीज़ों का मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अभी एक ज़रूरी स्टेप ये है, इसमें जो हम डो लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए। अगर इसका डो आपने सॉफ्ट लगा दिया गलती से, तो क्या होगा, एक तो आपके शक्कर पारे तलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑयली तो वो होंगे ही, साथ साथ खस्ता नहीं हो पाएंगे, पूरा तेल पी लेंगे, बिल्कुल ऑयली से शक्कर पारे आप खा नहीं पाओगे। इसीलिए इसका डो लगाते टाइम इसको कड़ा लगाया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पानी बहुत कम यूज़ किया है, सेम कटोरी से आधे कप से भी कम पानी लगा, इतना टाइट डो लगाने के लिए। यही पे आपको थोड़ी मेहनत लेनी है, और देखिए डो कुछ इस तरीके से हो जाए, पूरा चिकना भी नहीं है लेकिन एक जगह है। एक बार आप डो की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लीजिए, टाइट डो लगा के तैयार करना है, जैसे आप पुरिया बनाने के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टाइट लगाना है इसे। और इसे ढक के आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रखना है, जब तक कि आप तेल गर्म कर लीजिए। अब यहाँ तक तो आप डो लगाने की प्रोसेस देख चुके हो, लेकिन आप इसको बिस्कुट की तरह बिल्कुल लेयरदार बनाना चाहते हो ना, इसके लिए आपको और एक चीज़ करनी है। पहले तो आप इसमें से एक लोई तोड़ लीजिए, ये बिल्कुल बढ़िया टाइट सी लोई हमारे पास है जिसको मैंने चकले के ऊपर रखा। हम इसे बेलेंगे, पहले मैंने लंबाई में बेला है, एक फोल्ड में यहाँ पे कर देती हूँ। फिर से मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है, अगेन दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेंगे, और एक बार हम इसको बेल लेंगे। बस ऐसा कुछ नहीं है कि यही से फोल्ड करना है या लेफ्ट से ही करना है या ऊपर से या नीचे से, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और बेलते जाना है, जिससे क्या होगा कि आपके शक्कर पारे खस्ता होने में मदद मिलेगी, आपको थोड़े से लेयर उसके खुलने में मदद मिलेगी। अब ये वाला जो एक रैंडम स्क्वायर मेरे पास बन गया है, इसी को मैं बेल बेल कर बड़ा कर लूँगी। शक्कर पारों की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए,
अब ये जो किनारे इसके फटे फटे से हैं, इसे हम निकाल लेंगे तो बीच में हमारे पास एक स्मूथ सरफेस आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आज शक्कर पारे वाकई में बहुत बढ़िया बनेंगे। और ये जो थिकनेस है ना, देखिए कुछ इस टाइप का आपको थिकनेस रखना है। ज़्यादा पतला अगर आप शक्कर पारा बनाते हो वो ज़्यादा फूलेगा नहीं और आपको थोड़ा कड़क कड़क फील होगा। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही मोटा बेला है तो शक्कर पारा अंदर तक सही से पक नहीं पाता है, कच्चा रह जाएगा। और कच्चे शक्कर पारे आपके महीना भर 15 दिन टिक नहीं पाएंगे, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने ये सारी मेथड को सही से फॉलो किया ना, पूरे महीने तक आप शक्कर पारे आराम से खाओ, कुछ नहीं होने वाला, उनको बढ़िया रहेंगे। शक्कर पारे तेल में जब आप डालते हो, ठंडे तेल में तो वो नहीं जाने चाहिए, अच्छा गर्म तेल हो तभी आपने डालना है। और बार बार उनको पलटा नहीं जाता। शुरू शुरू में तो आपको तेल के ऊपर सिर्फ झाग दिखेगा, फिर धीरे धीरे आपको शक्कर पारा ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। फिर आप एक बार उसको पलट दो, एक साइड से जब थोड़े गोल्डन हो जाए तब दूसरी बार पलट दो। देखिए क्या बढ़िया शक्कर पारे फूल रहे हैं। इतना सा था बिल्कुल, अब देखिए कितना बड़ा हो गया। और एक सिंगल पीस तक इसका बिखरा नहीं है, या ये पड़ गए तेल में, या ऑयली हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। खस्तापन इसमें बढ़िया आएगा, गारंटी है मेरी। थाली में निकालने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसीजर शुरू रहता है तो ये अपने आप से कलर बढ़िया ले लेंगे। भले ही अभी आपको लगे कि शायद कहीं नरम तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये थोड़े से इसको हवा लगती है, ठंडे हो जाते, बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।